जबलपुर के सिद्ध बाबा मंदिर में विगत कई सालों से भागवत कथा होती चली आ रही है। उसी तारतम्य में इस वर्ष भी 7 दिवसीय कथा का आयोजन किया गया। कथा के पहले शोभा यात्रा सिद्ध बाबा से शुरू हुई, जो गोपाल होटल चौराहा से शुक्ला होटल चौराहा चांदमारी होते हुए सिद्ध बाबा में भागवत पुराण विराजित के साथ सम्पन्न हुई, जहाँ बड़ी संख्या में श्रोतागण पहुंचकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। व्यासपीठ में पंडित आकाशन जी महाराज के मुखार बिंदु से 7 दिनों तक भागवत कथा का रस पान किया जाएगा। धर्म रक्षार्थ जन कल्याण हेतु और ये महामारी इसके नियंत्रण हेतु सार्वजनिक रूप से सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। जो ये कार्यक्रम होता है, एक 9वां साल है, ये 9वां साल है जो हम भगवान को याद करते हैं, माता को याद करते हैं। एक सेवा ही सब कुछ होता है। जो हम एक कहते हैं कि हम भागवत करा रहे हैं, हम भागवत सुनने जा रहे हैं, जब भागवत सुन के जब आते हैं तो आदमी को जो भागवत में कहा जाता है वैसे ही यहाँ अपने घर में ठीक करना चाहिए, क्योंकि भागवत की एक एक कथा, एक एक रामायण और एक एक शब्द सबको ध्यान में रखते हुए ऐसा व्यवहार घर में करना चाहिए। और मैं भागवत कृष्ण जी में है ना, कृष्ण ही चरणों में श्री को प्रणाम करता हूँ और यही बोलता हूँ, जो भी यहाँ पे है, जो भागवत हो रहा है, सबको आशीर्वाद देना और जिनको जो मनोकाम जिसके हो वो पूर्ण करें।